वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। पाकिस्तान से भी दुगनी तेजी से बढ़ रही है भारत में मुस्लिम आबादी। जनगणना के बाद अब यह आंकड़े जनसंख्या के हिसाब से भारत में कितने मुसलमान हैं जानकर होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आपको हमेशा ऐसी ज्वलंत खबर देखने को मिलता रहे। आज हम आपको भारत में रहने वाले मुसलमानों की जनसंख्या के बारे में बताने वाले हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह तीव्र वृद्धि से आगे बढ़ रहे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हर तरह के धर्म रहते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदुओं की है जो 100 करोड़ के लगभग है। इसके बाद मुस्लिम आते हैं जिनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 17% बताई जाती है, लेकिन मुस्लिमों की जनसंख्या साल 2011 की जनगणना के अनुसार अब 2019 चल रहा है और मुसलमानों की जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है जो अब काफ़ी बढ़ चुकी होगी, क्योंकि 2011 से लेकर 2019 के बीच 8 साल का समय बीत गया है। भारत में मुस्लिमों का जनसंख्या वृद्धि दर 24.6% है, यानी कि हर 10 सालों में 24.6 मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ जाती है। अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो 2011 और 2019 के बीच 8 सालों का समय गुजर चुका है। इन 8 सालों 14 से 16% तक जनसंख्या बढ़ सकता है। एक हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिमों की जनसंख्या 20 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। यह सिर्फ एक अनुमान है, यही सही आंकड़े तो 2021 में होने वाली जनगणना में ही पता चलेंगे। मोदी जी के ऐलान के बाद यह मुद्दा सुर्खियों में है, परंतु हिंदू के अलावा मुसलमानों का जनसंख्या पर नियंत्रण करने सरकार विचार करेगी। इस सवाल पर जवाब कमेंट करके बताएं और ऐसी खबर देखने के लिए हमें सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।